अम्बाला में 31 दिसंबर को नागरिकता संशोधन एक्ट के पक्ष में हनुमान चालीसा का आयोजन होने जा रहा है। यह समाज सेवी मिलकर करवा रहे हैं। उनका कहना है कि वे धर्म के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे। CAA एक्ट को लेकर जारी विरोध के बीच अम्बाला में समाज सेवी लोगों ने मिलकर बीड़ा उठाया है कि वे अम्बाला में इसके प्रति लोगों को जागरूक करेंगे, ताकि इस कानून के बारे में बताया जा सके कि यह विस्थापितों को स्थापित करने के लिए है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। जिसके विरोध में जगह जगह पे प्रदर्शन हुए, कुछ जगह में उसके समर्थन में भी प्रदर्शन हुए, तो अम्बाला में भी ये जाग जगी पूरी टीम के माध्यम से कि हम भी कुछ ना कुछ इसके समर्थन में करें। और ये अपने देश के लिए बहुत अच्छा एक बिल है और एक्ट है। तो एक बड़ा अच्छा दिन मिला हमें, 31 तारीख का मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है, तो हम धर्म के माध्यम से लोगों के बीच में ये अवेयरनेस दें कि ये जो बहुत अच्छा एक्ट बना है, ये हम सबकी एक कहते हैं कि जो विस्थापित लोग हैं उनको स्थापित करने का ये कानून बना है। तो इस बात का संदेश एक नए साल जो आने वाला है उसके माध्यम से सब मिलकर दें। और ये विनती सभी अम्बाला वासियों से कि ये हमारे इसमें एक बहुत ही अच्छे सिंगर पासी केसरी जी आ रहे हैं, तो सभी से निवेदन कि सभी हर एक प्रोग्राम की जो कामयाबी है वो इस बात पर निर्भर करती है कि कितने लोग उसमें सुनने आएंगे, कितने लोग उसका समर्थन देंगे, ताकि उतना ही बड़ा मैसेज पूरे प्रदेश में पूरे देश में जाए कि बहुत लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो वो लोग इस बात का आगे से आगे अधिक से अधिक संदेश जाए, तो मीडिया के माध्यम से भी हम चाहेंगे कि पूरे अम्बाला में ये मैसेज जाए कि 31 तारीख का जो आयोजन है, एक बहुत सुंदर आयोजन, हमारे सभी साथी मंगल सेन जी बजाज, अनिल सैनी जी, तरसेम जी, डॉक्टर जायसवाल जी और भी सभी अन्य साथीगण हैं, रोहतास सैनी जी भी हैं। अम्बाला से BS गुलियानी की रिपोर्ट। इसी प्रकार की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए यस टीवी।